चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ी खबर, फिर से भारत में एक बैंक हो गया है आज से बंद। आरबीआई ने आज से राजकृषि साहू सहकारी बैंक लिमिटेड पर लगाया जुर्माना, कर दिया लाइसेंस रद्द। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पर अभी तक नहीं बन सका है सहमति, कल पर्यवेक्षक चुनाएगी बीजेपी सरकार, कौन कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसको लेकर कल हो सकता है घोषणा। महुआ मोइत्रा मामला, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट कल लोकसभा में हो सकती है पेश, बीजेपी ने जारी कर दिया है व्हिप, महुआ मोइत्रा मामला में कल हो सकता है सुनवाई। बीते 9 साल में 16.9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बढ़े, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बने, संसद में इंडियन इकोनॉमी पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। आईपीएल 2024 के लिए ऋषभ पंत हो रहे तैयार, सोशल मीडिया पर शेयर किया है हेल्थ अपडेट, जल्द खेल सकेंगे मैदान पर क्रिकेट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पहली चार्जशीट फाइल की, पीएमएलए की आपराधिक अपराधों के तहत चीनी कंपनी वीवो पर 4 लोगों को बनाया आरोप। पेटीएम का शेयर 18% गिरा, सेक्शन 132 अंक गिर कर 59,521 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 32 अंक टूटा, स्पाइस जेट का शेयर 20% चढ़ा। इजराइल हमास युद्ध के बीच प्रियंका गांधी बोली, बमबारी में 16,000 निर्दोष लोग मारे गए, भारत सरकार को सही का साथ देना चाहिए। भारतीय सेना के लिए गुड न्यूज, 1 जनवरी से प्रमोशन पॉलिसी होगा लागू, सभी सेनाओं को मिलेगा बड़ा फायदा। फ्लिपकार्ट में शुरू हो रहा है बिग बिलियन डे सेल, फ्लिपकार्ट जल्द शुरू करने वाला है यह सेल, स्मार्टफोन में जबरदस्त मिलेगा डिस्काउंट, 60% तक का ले सकेंगे आप छूट। कई राज्यों में ठंड बढ़ने से कई जगह ट्रेनें हो गई है रद्द, कोहरा बढ़ने से 17 से ज्यादा ट्रेन हो गई है रद्द, 139 में कॉल करके ले सकेंगे जानकारी। अब दक्षिण गाजा में इजराइल ने तेज कर दिया है हमला, लाखों लोग पर मंडरा रहा है विस्थापन का खतरा, पलायन करने पर लोग हो चुके हैं मजबूर। साबित हो गया है मिडिल ईस्ट से छूट गई है अमेरिका की पकड़, एयरक्राफ्ट की सलामी के साथ यूएई ने किया है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अपने देश में भव्य स्वागत। अहमदाबाद के साबरमती में तैयार हुआ है भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, वीडियो सोशल मीडिया में हो गया है वायरल। 10वीं पास के लिए युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सीधे नौकरी पाने का, उत्तर रेलवे में 3,093 पदों पर निकाली गई है भर्ती, इसके लिए rrcrailway.gov.in में जाकर आज से कर सकेंगे आवेदन। यूपी बोर्ड 12वीं एग्जाम का डेट टेबल हो गया है जारी, अगर आप भी इसका एग्जाम का इंतजार कर रहे तो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर जारी और चेक कर सकेंगे रूटिंग। शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत, राष्ट्रपति मुर्मू बोली एआई आने से लोगों में नौकरी का खतरा, एआई में लगातार हो रहा है प्रदर्शन, इस पर सरकार को देना चाहिए नजर। हुंडई कार प्राइस 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी, हुंडई की सभी कारें, टाटा और कई कंपनियां भी बढ़ा रही है कीमत। काली कमाई का पहाड़, कांग्रेस सांसद के ठिकाने पर इनकम टैक्स का छापा, मिला 100 करोड़ से ज्यादा कैश, गिनते गिनते मशीन हो गया खराब। पीएम मोदी की बात का असर, कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों से मिले राजदूत। केरल में मुस्लिम लड़कियों की गैर मुस्लिमों से जबरन शादी, चुनावों से पहले आरोपों में घिरे सीपीएम सरकार। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी का एक वकील के साथ प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया में हुआ लीक, हाईकोर्ट ने आईएसआई से मांगी रिपोर्ट। बिहार के स्कूल के बाद अब के पाठक के मदरसे पर एक्शन, 50 मदरसों की मान्यता हो गई है रद्द, कई मौलवियों का वेतन रोका गया। भारत सहित पूरे एशिया में WHO ने जारी कर दिया हेल्थ अलर्ट, चीन के व्हाइट लंग सिंड्रोम ने मचाया है तहलका, भारत में फैल सकता है यह महामारी।
हज यात्रा 2024 को लेकर बड़ी खबर। हज यात्रा जाने वाले का खर्च अब होगा ज्यादा, सरकार बढ़ाने जा रही है टैक्स। बिहार में 3600 नई बसें चलेगी, योजना के लिए आवेदन शुरू, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी। जियो ने जारी कर दिया है सस्ता प्लान, जियो ने 895 रुपए का प्लान किया है लॉन्च, मिलेगा 336 दिन तक का रिचार्ज वैलिडिटी के साथ। दीपक चहर के रिप्लेसमेंट का अचानक हुआ ऐलान, 33 साल के खिलाड़ी को 4 साल बाद अजीत अगरकर ने दिया मौका। उर्दू नहीं सीखी तो परमानेंट नहीं होगी नौकरी, 115 साल पुराने कानून को बदलने जा रही योगी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मोदी अब भी फेवरेट, लेकिन 4 राज्य में बढ़ा सकता है बीजेपी की परेशानी। रेवत रेड्डी बने तेलंगाना के दूसरे सीएम, सोनिया गांधी की मौजूदगी में लिया उन्होंने शपथ। आधार कार्ड में नाम जन्म तिथि पता सुधारने के लिए आखिरी मौका, 7 दिन बचा है, फ्री में करा सकेंगे आधार सुधार, नजदीकी सेंटर में जाकर करें अप्लाई। हरियाणा पंजाब समेत अन्य राज्यों में बढ़ा पारा, ठंड से लगाया गया है रिकॉर्ड हाई पार, लगातार बढ़ रहा है ठंड, कई राज्यों में आज से भी बढ़ाया गया ठंड। भीषण तबाही मचाने के बाद कमजोर पड़ रहा चक्रवाती तूफान मिचांग, दक्षिण भारत में 40 लाख लोग इससे हो गए प्रभावित। कर्नाटक में 100 टन के मक्के के नीचे दबकर 7 मजदूरों का हो गया मृत्यु, पटना आ गया है सौ, सीएम नीतीश सरकार ने 2-2 लाख रुपया मुआवजा देने का कर दिया ऐलान। हजारों ग्राहकों के बैंक खाते में अचानक आ गए 820 करोड़ रुपया, मच गया हड़कंप, जांच में जुट गई है सीबीआई, देश के कई शहरों में हो रहा है छापामारी। LIC ने किया है भारत का नाम रोशन, दुनिया की टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रैंकिंग में आ गया है सबसे आगे। पटना में मंत्री विजय चौधरी ने भाजपा के नारे पर किया कटाक्ष, कहा सभी सीट पर लड़ेंगे चुनाव। पाकिस्तान में एक और दुश्मन ढेर, लश्कर के आतंकी की कराची में हत्या, पंपोर में CRPF काफिले पर किया था मास्टरमाइंड हमला। यूपी में बेरोजगार युवाओं को 25 लाख रुपए दे रही है योगी सरकार, शुरू करे स्टार्टअप, सरकार खुद का व्यापार करने के लिए ब्याज मुक्त दे रही है लोन। पन्नू मामले में भारत के खिलाफ केस लड़ेंगे वकील, हाई प्रोफाइल मामले में US सरकार को दिला चुके हैं जीत। 450 रुपए में सिलेंडर, फ्री में स्कूटी, फ्री में पढ़ाई, जीत के बाद 3 राज्यों में बीजेपी करेगी जल्द अपना वादा पूरा, चुनाव से पहले किया था ऐलान। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब होने जा रहा बड़ा बदलाव, अमित शाह फिर करने जा रहे एक नया बिल को पेश। उत्तर भारत में नहीं दिखेगा साइक्लोन मिचोंग का असर, लेकिन सताएगा कोहरा, लगातार कई राज्यों में कल से बढ़ेगा ठंड। नीतीश संभालेंगे NDA गठबंधन का नेतृत्व, 3 राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस विधायक ने उठाया है मांग। पायलट का नया फोन टैप हुआ, एक्टिविटी को भी किया गया ट्रैक, अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने बताया किया नया दावा। झोले में चूरमा, एक जोड़ी कपड़े लेकर 6 साल की उम्र में घर से निकल गए थे बाबा बालकनाथ, माता पिता ने सुनाया है इनका किस्सा। ना लाइन में लगना और ना ही कैश का यूज करना, सीधे कार में बैठे बैठे पेट्रोल पंप में कर सकेंगे पेमेंट, जल्द लागू होगा नया सिस्टम। बिहार शिक्षक भर्ती, दूसरे चरण की परीक्षा 7 दिसंबर से, 1,22,286 पदों पर होगी बहाली, BPSC ने जारी कर दिया गाइडलाइन। राजस्थान चुनाव रिजल्ट के बाद CM रेस में चर्चा में आए हैं बालकनाथ, लगातार बढ़ रहा इनका जलवा, तिजारा से दर्ज की है इन्होंने जीत। चेन्नई में मिचोंग तूफान ने मचाई तबाही, फंसे आमिर खान और बचाई लोगों की जान, लगातार बढ़ रहा मामला, 5 से ज्यादा लोगों का हुआ मृत्यु। कैप्टन गीतिका कॉल, दुनिया के सबसे ऊंची कुरुक्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बनी।